किसने मिलकर दामोदर नदी पर ये परियोजना बनाई है। ये जो दामोदर नदी है, इस दामोदर नदी को बंगाल का सोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंगाल का सोर कहा जाता है, क्योंकि जो वर्षा ऋतु होती है उस वर्षा ऋतु में इस नदी में, दामोदर नदी में बहुत अधिक जल आता है, और जिसके कारण पश्चिम बंगाल में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है। अब देखिए, ये जो परियोजना, इस परियोजना की शुरुआत 1948 में की गई थी। इस परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? 1948 में की गई थी, ठीक है। अब ये जो दामोदर नदी है, ये जो दामोदर नदी है, इसका जो बेसिन है, बेसिन आप जानते हो, बेसिन किसे कहते हैं? बेसिन का अर्थ क्या होता है? मुख्य नदी, मुख्य नदी व उसकी सहायक नदियां जिस क्षेत्र से होकर बहती है उसे बेसिन कहते हैं, नदी बेसिन कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? नदी बेसिन कहते हैं। अर्थात मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां जिस क्षेत्र से होकर बहती है उसे नदी बेसिन कहते हैं। मुख्य नदी किसे कहते हैं? देखिए, जैसे ये नदी है, अब ये जाकर समुद्र में मिलेगी या महासागर में मिलेगी, लेकिन इसमें क्या होता है, ये जो छोटी छोटी नदियां आकर मिल जाती है ना, ठीक है, सहायक नदियां अपना पानी जहां छोड़ती है वो मुख्य नदी होती है। तो ये मुख्य नदी हो गई और ये सहायक नदियां, ये जो शाखाएं है ना, ये शाखाएं जिनका पानी आकर इस मुख्य नदी में मिल गया, तो ये छोटी छोटी जो नदियां हैं ये तो है सहायक नदियां, और ये जो बड़ी नदी है जो समुद्र में या महासागर में मिलेगी ये क्या है, ये मुख्य नदी है, ठीक है। और नदी बेसिन आप समझ गए, नदी बेसिन किसे कहेंगे? मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां जिस क्षेत्र से होकर बहती है वो नदी बेसिन कहलाता है। अब देखो, जिस क्षेत्र की बात करें तो ये मुख्य नदी हो गई और ये सहायक नदियां हो गई, तो ये जितना भी स्थान है ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है? नदी बेसिन कहलाता है। तो ये जो दामोदर नदी है, इसका जो बेसिन था उसमें बिहार और झारखंड में ये 290 किलोमीटर, कितना? 290 किलोमीटर बहती है बिहार और झारखंड में, 290 किलोमीटर बहती है, जबकि हम बात करें पश्चिम बंगाल में तो ये 240 किलोमीटर बहती है। ये जो दामोदर नदी है, ये दामोदर नदी बिहार और झारखंड में 290 किलोमीटर बहती है, जबकि पश्चिम बंगाल में 240 किलोमीटर बहती है। और फिर उसके बाद में ये हुगली नदी में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? हुगली नदी में मिल जाती है, ठीक है। अब देखिए, ये जो दामोदर नदी है इसकी कुछ सहायक नदियां भी, इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां हैं। ये सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो देखिए, बाराकार नदी, कोनार नदी और बोकारो नदी, ये इसकी क्या है? सहायक नदियां। बाराकार नदी, कोनार नदी और बोकारो नदी इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। अब देखिए, ये जो अमेरिका की टेनेसी वैली जो परियोजना है, अमेरिका की टेनेसी वैली परियोजना है, उसके अंतर्गत ही हमारे भारत में पश्चिम बंगाल में ये जो दामोदर घाटी परियोजना है उसका निर्माण हुआ है। दामोदर नदी घाटी परियोजना को किस तर्ज पर बनाया गया है? अमेरिका की टेनेसी वैली परियोजना के अंतर्गत। अर्थात जिस प्रकार की अमेरिका में टेनेसी वैली परियोजना है ना, ऐसी की ऐसी हमारे भारत में दामोदर घाटी को बनाया गया है, ठीक है। अब देखिए, जो ये दामोदर घाटी परियोजना है इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य पहला आर्थिक विकास करना, अर्थात बांध बनाए जाएंगे, बांधों के माध्यम से सिंचाई की जाएगी, उपजाऊ भूमि में फसल ज्यादा पैदा होगी, तो आर्थिक विकास है, और जीवन स्तर को सुधार करना है। अर्थात जीवन स्तर में क्या करना है? सुधार करना है। अर्थात इस नदी के आसपास जो क्षेत्र विस्तृत है या जो रहता है उस क्षेत्र में क्या है, एक तो आर्थिक विकास और जीवन स्तर को बढ़ाना है, लोगों को पेयजल की सुविधा प्राप्त है, इसके अलावा लोगों को
यहाँ पर बनाई जाती है। अब देखिए ये जो परियोजना है, इस परियोजना के अंतर्गत अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग नदियों पर अलग अलग बांध बनाए गए हैं। उन बांधों को हम पढ़ेंगे, जैसे बाराकार जो नदी है, इस बाराकार नदी पर बांध बनाए गए हैं, जैसे मेहथान बांध, बाल पहाड़ी बांध और तिलैया बांध। ये जो बांध है कौन सी नदी पर बनाए गए हैं? बाराकार नदी पर बनाए गए हैं। कौन कौन से बांध है? मेहथान बांध है, बाल पहाड़ी बांध है और तिलैया बांध है। कौन सी नदी पर है? बाराकार नदी पर। दूसरा बांध है बोकारो नदी पर। बोकारो नदी पर जो बांध बनाया गया है, उस बांध का नाम भी क्या है? बोकारो बांध है। क्या नाम है उसका? बोकारो बांध। तीसरा है कोनार नदी पर बांध बनाया गया है, और जो कोनार नदी पर बांध बनाया गया है उसका नाम भी क्या है? कोनार बांध है। इसके बाद में दामोदर जो नदी है, उस दामोदर नदी पर भी बांध बनाया गया है, जैसे अगर बांध है, बर्मो बांध है। ये कौन सी नदी पर बनाए गए हैं? दामोदर नदी पर बनाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्या है कि ये जो परियोजना है, इसका उद्देश्य विद्युत बनाना भी है। इसलिए यहाँ पर क्या किया गया है? विद्युत बनाने के लिए विद्युत ग्रहों का निर्माण किया गया है, विद्युत संयंत्र लगाए गए हैं जिनके माध्यम से बिजली का उत्पादन किया जाता है, और जो राज्य के जो अलग अलग क्षेत्र है उन क्षेत्रों में बिजली पहुंचाई जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दामोदर घाटी परियोजना पढ़ी, जो पश्चिम बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, अब देखिए आगे हम पढ़ेंगे जो तीसरी परियोजना है, इराकुंड परियोजना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी हमारे भारत की महत्वपूर्ण परियोजना है। ठीक है, महानदी पर बनाई गई है। कौन सी नदी पर है? महानदी पर बनाई गई है ये परियोजना, और इस महानदी को उड़ीसा का सोख कहते हैं। अर्थात उड़ीसा में क्या होता है कि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, जिसके कारण ये जो महानदी है इसे क्या कहा जाता है? इस महानदी को क्या कहते हैं? महानदी को उड़ीसा का सोख कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में देखिए ये जो नदी है, ये महानदी है, ये महानदी छत्तीसगढ़ से बस्तर की पहाड़ियों से निकलती है, छत्तीसगढ़ में बस्तर की पहाड़ियों से निकलती है, और कुछ स्थानों पर तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, बहुत अधिक मात्रा में जल आता है, तो कई स्थानों पर तो बाढ़ की स्थिति हो जाती है, जबकि कई स्थानों पर बिल्कुल सूखा रह जाता है। ठीक है, इसीलिए इसे उड़ीसा का सो कहा जाता है, महानदी को उड़ीसा का सो कहा जाता है। अब देखिए भारत सरकार अर्थात केंद्र सरकार की लागत से 68 करोड़ रुपए, 68 करोड़ रुपए की लागत से बांध बनाया गया है। 68 करोड़ रुपए से 68 करोड़ रुपए भारत सरकार के द्वारा प्रस्तावित किए गए, जिनमें संबलपुर जो जिला है, संबलपुर से 14 किलोमीटर ऊपर, संबलपुर से 14 किलोमीटर ऊपर हीराकुंड बांध बनाया गया है। कौन सा बांध बनाया गया है? हीराकुंड बांध बनाया गया है। हीराकुंड बांध संबलपुर जिले, संबलपुर से 14 किलोमीटर ऊपर हीराकुंड बांध बनाया गया है, और ये विश्व का सबसे लंबा बांध है। ये संसार का, विश्व का, दुनिया का सबसे लंबा बांध है, और ये बांध की जो लंबाई है वो है 4801 मीटर। 4801 मीटर इसकी लंबाई है। 810 करोड़ घन मीटर, 810 करोड़ घन मीटर इसमें पानी की आवक होती है, अर्थात 810 करोड़ घन मीटर इसमें पानी की कैपेसिटी, अर्थात इतना पानी इसमें भरा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा और भी बांध बनाए गए हैं, जैसे तिकरपाड़ा बांध है, नराज बांध है। तिकरपाड़ा बांध और नराज बांध भी इसी नदी पर बनाए गए हैं, महान नदी पर ही। तिकरपाड़ा बांध है, नराज बांध है। इसके अलावा देखिए ये जो परियोजना है, इस परियोजना को 2 चरणों में पूरा किया गया। कितने चरणों में पूरा किया गया? 2 चरणों में पूरा किया गया, जिसमें पहला जो चरण है उसमें नंबर 1 हीराकुंड बांध का निर्माण हुआ। पहली चीज क्या है? हीराकुंड बांध का निर्माण हुआ। इसके अलावा इस हीराकुंड बांध
के दाएं भाग से एक नहर निकाली गई जिसका नाम है बोरगढ़ नहर। क्या नाम है? बोरगढ़ नहर। और बाएं किनारे से भी नहरें निकाले गए। बाएं किनारे से जो नहरें निकाली गई उनमें सेसन नहर और संबलपुर नहर है। जबकि जो दूसरा चरण है उस दूसरे चरण के अंतर्गत विद्युत ग्रहों का निर्माण किया गया है और ये विद्युत ग्रह चार है संख्या में। अर्थात चार विद्युत ग्रह बनाए गए हैं। वो दूसरे चरण में है। पहले चरण में हीरापुर बांध, उसके बाद में बोरपुर बोरगढ़ और सेसन और संबलपुर नहर निकाली गई। इसके अलावा ऊपर जो ये जो मान ये जो मान नदी है इसके ऊपर तीकरपाड़ा बांध भी है, नराज बांध भी है और हीरापुर बांध जो संसार का सबसे लंबा बांध है इसकी जो लंबाई है 4,801 मीटर है और संबलपुर से 14 किलोमीटर ऊपर है। और ये जो बांध नदी है इसे उड़ीसा का सोम कहा जाता है और ये जो हीरापुर परियोजना ये महानदी पर स्थित है। ओके।